अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे को टिकट की मनाई करी गई थी और किन कारणों से करी गई थी वो कारण मैं जानता रह गया, वो कारण कोई मिला नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने परिवार के अंदर मुझे शामिल करके बहुत मजबूती के साथ में जो चुनाव लड़ा, जो मान सम्मान दिया पूरी टीम ने, हमारे अध्यक्ष महोदय भी साथ हैं, पूरे इंडिया गठबंधन की टीम खड़ी है, भाई बलवान जी भी खड़े हैं साथ में, सब ने अपना चुनाव मांग के चुनाव लड़ा और हम गांव-गांव तक गए, बहुत पॉजिटिव माहौल था। और प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि प्रजातंत्र में प्रजा अपना फैसला खुद करती है कि नेतृत्व किसको देना चाहती है। कोई काका जब फैसला करने जाता है तो जनता आक्रोशित होती है और उसी का आक्रोश का ही फैसला इस चुनाव के अंदर देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन देश भर के अंदर बना है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट राजस्थान में आया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो अहम मुद्दे थे देश के अंदर, बेरोजगारी का, महंगाई का, आज जिस तरह से हम जातियों धर्म की बात करके देश को बांटने का काम कर रहे, उसके खिलाफ में युवा खड़ा हुआ है और बहुत पॉजिटिव वोटिंग हुई है इंडिया गठबंधन के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की माइंडसेट को, सोच के ऊपर देश ने नकारा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है देश के अंदर भी आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर रिजल्ट पाने के बाद में एक नई सरकार बनाने काम करेगा। केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बन रही है, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जनता का जो मैंडेट होता है स्वीकार होता है, पर आप देखिए एग्जिट पोल क्या थे, 370 कुछ लोग तो 403 तक दे चुके थे और एग्जिट पोल क्या आए हैं, अब 242 भी नहीं पहुंच पाए। तो सरकार बनना ना बनना एक अलग बात है, गठबंधन को बहुत बड़ा मजबूती से देश के अंदर विश्वास मिला है, साथ मिला है और एक बहुत नेगेटिविटी बीजेपी के लिए गई है, इसको हमको इलेक्शन को इसी नजर से देखना पड़ेगा। गुरुदारनगर में मोरिया बोल दिया गया था, चूरू की जनता ने खाजी मिटा दी है, बात खत्म होगी, काका को समझ में आ गई, लेकिन बच को नहीं, काको चले गए, जयपुर पहले ही चले गए।